अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ रोहेल एंड आई एम फ्रॉम काजी इन्वेस्टमेंट। वैसे तो इस्लामाबाद पिंडी की पॉपुलेशन में ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके डेवलपर्स उनकी हर ये मुमकिन कोशिश होती है कि वो अपने रेजिडेंट्स के लिए अच्छे से अच्छे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें। बट आज मैं जिस प्रोजेक्ट के बारे में बात करना चाहूँगा, उस प्रोजेक्ट का जो मेजर पार्ट है वो टूरिज़्म इंडस्ट्री के लिए भी है। उस प्रोजेक्ट में बात करने से पहले मैं एक छोटी सी बात शेयर करना चाहूँगा कि हम सब लोग इस्लामाबाद पिंडी के रेजिडेंट्स जब छोटे हुआ करते थे तो हमें रावल डैम ले जाया करते थे हमारे माँ बाप, क्योंकि हम वहाँ पर जाके अक्सर प्लान करते थे, बारबेक्यू प्लान कर लेते थे, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ प्लान कर लेते थे, फिशिंग कर लिया करते थे वहाँ पर, हम जो है ना डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म किया करते थे। बट जैसे जैसे हम बढ़ते गए वैसे वैसे इस्लामाबाद पिंडी की पॉपुलेशन भी बढ़ती गई और रावल डैम की जो लोकेशन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड इकट्ठा होने लग गया, जिसकी वजह से हम लोग अपनी खसूसन अपनी फैमिलीज को लेके जाने से अब गुरेज करते हैं। फिर इस्लामाबाद पिंडी के रहायशियों ने रुख किया खानपुर वाली साइड पर। जैसा कि आप सबको ऑलरेडी इल्म में होगा कि खानपुर इस टाइम एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। खानपुर के अंदर डिफरेंट फैमिलीज़ जाती हैं, इस्लामाबाद पिंडी के लोग जाते हैं, लाहौर से लोग जाते हैं, केपीके से बहुत ज़्यादा लोग आते हैं और अपना वीकेंड वहाँ पे स्पेंड करते हैं। बट इस्लामाबाद पिंडी के अंदर कोई ऐसी डेस्टिनेशन नहीं रही जो इतनी खूबसूरत हो जितनी रूडन इनक्लेव। अगर आप रूडन इनक्लेव की साइट को विज़िट करें तो साइट के ऊपर बहुत खूबसूरत ग्रीन एरिया है, सीनिक व्यू है, इन्वायरमेंट अगर आप वहाँ पे जाएं तो आप देखें तो वहाँ पे हवा में नमी भी बनिस्बत कम है एज़ कम्पेयर टू आप अगर मेन इस्लामाबाद की किसी भी सोसाइटी के अंदर जाते हैं, क्योंकि उनके एरियाज कंजस्टेड हो चुके हैं। इसी अट्रैक्शन को मद्देनज़र रखते हुए और इन्हीं पॉइंट्स को देखते हुए हमारी शोबिज़ इंडस्ट्री ने भी इससे अट्रैक्ट होकर वहाँ पर एक बहुत बड़े ड्रामा सीरियल का शूट किया है। जी हाँ, रूडन इनक्लेव की साइट के अंदर इस टाइम हमारी शोबिज इंडस्ट्री भी इंटरेस्ट ले रही है। वहाँ पे इस शूट के बाद आप सबको मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप सब लोग एक दफ़ा रूडन इनक्लेव की साइट को ज़रूर विज़िट करें, बेशक फैमिली के साथ प्लान करें और वहाँ पे जाएं। वहाँ पे दो डैम्स हैं, खसाला डैम और जावा डैम। खसाला डैम के अंदर आप बोट्स में भी ट्रैवल कर सकते हैं और रूडन इनक्लेव की मैनेजमेंट आपको इसमें भरपूर हेल्प आउट करेगी आपके इस वीकेंड को अच्छा बनाने में। और आप वहां पे जाके बारबेक्यू प्लान करें, आप अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ प्लान करें, आप वहां पे बैडमिंटन खेलें, आप क्रिकेट खेलें वहाँ पर जाके और अपनी फैमिलीज़ को आपको ले कर जाएँ वहाँ पर। और ये एक ऐसी साइट है जहाँ पर आपको क्राउड नहीं मिलेगा, जहाँ पे आप सुकून से अपना एक फैमिली टाइम स्पेंड कर सकेंगे। तो मैं ये बोलूँगा कि यहाँ पे इन्वेस्टर हजरात उनसे हट के जो फैमिलीज़ हैं, बेसिकली जो रूडन इनक्लेव है ये आने वाले टाइम में एक लिविंग प्रोडक्ट के तौर पे सामने आएगा। ये एक ऐसी सोसाइटी होगी जहाँ पे रहने वाले रहायशियों को कोई भी ऐसी फैसिलिटी अवेल करने के लिए इवन बाहर नहीं जाना पड़ेगा जो सोसाइटी इटसेल्फ प्रोवाइड ना कर रही हो, चाहे वो टूरिज्म से लेके हो, चाहे वो हेल्थ फैसिलिटीज से लेके हो, चाहे वो एजुकेशनल फैसिलिटीज हो। और रूडन इनक्लेव के साइट विजिट करने के लिए या लोकेशन जानने के लिए कोई भी किसी किस्म की भी हमारे व्यूवर्स को इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो नीचे दिए गए नंबर काजी इन्वेस्टमेंट के नंबर पर रब्ता करें और हमारा ये पेज, हमारा ये वीडियो चैनल ये ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।